विज्ञान का अपना अलग ही महत्व है, जहां हमें न केवल भूत वर्तमान अपितु भविष्य की भी गणना करने को मिलती है। रीवा दर्शन आज इस विज्ञान से सफल हो चुके विधानसभा चुनाव के परिणामों का एक आकलन करने जा रहा है। यह एक काल्पनिक अनुमान है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य सनी सम्राट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि अभी हमने पिछले अंक में आपको दिखाया था, उसके बाद लगातार दर्शकों के व्यू आ रहे थे और इस कार्यक्रम को सभी ने सराहा, जिसके चलते हम लोगों ने पुनः मन बनाया कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और आज का अंक इसी मुद्दे पर है। आज अगली विधानसभा के साथ हम फिर हाजिर हैं। आज बात करेंगे हम गुड़ विधानसभा की। रीवा जिले की गुड़ विधानसभा काफी दिलचस्प मुकाबले में है और यहाँ एक आश्चर्यजनक परिणाम भी देखने को मिलेगा। आज का पूरा विषय इसी पर है, गुड़ विधानसभा। आखिर जानते हैं गुड़ विधानसभा में जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, ज्योतिष की नजर में हम उसे किस नजरिए से देखते हैं? जय शनि महाराज की। दोस्तों, पहले तो विजय भैया का और रीवा दर्शन चैनल का धन्यवाद कि मुझे दोबारा इसके लिए उन्होंने स्मरण किया और आप लोगों ने सराहा। अगर हम बात करें गुड़ विधानसभा की, तो वैसे तो वहाँ बहुत से प्रत्याशी हैं, परंतु मुख्य प्रत्याशियों में जिनके बीच में मेन प्रतियोगिता है, वो आदरणीय कपिध्वज सिंह, आदरणीय नागेंद्र सिंह जी और आदरणीय सुंदरलाल तिवारी जी हैं। सबसे पहले हम आज जो बात करेंगे वो फिर से टैरो के अकॉर्डिंग बात होगी और उसमें सबसे पहले हम लेते हैं कपिध्वज सिंह जी। कपिध्वज सिंह जी का नाम के अंकों का योग 2 है। टैरो में 2 नंबर का मतलब होता है चंद्र ग्रह। चंद्र एक ऐसा ग्रह है जो लोगों को शीतलता प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है और साथ ही ये देवों के देव महादेव के शरीर का एक अभिन्न भाग है, इसको उनसे अलग नहीं किया जा सकता। और इसकी सबसे खास चीज ये है कि ये मेनली मुख्य रूप से नेताओं की पोशाक में इसका रंग पाया जाता है। जहां भी सफेद चीज से संबंधित, खासकर दूध, दही, पानी, इस प्रकार की चीजें रहती हैं और खासकर नेताओं की पोशाक, नेताओं का अपना जो कार्य है उसमें चंद्र का एक अलग ही महत्व है और चुनाव के संबंध में देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सूर्य देव से गर्म प्रकाश लेता है पर लोगों को शीतलता प्रदान करता है। और सामान्य रूप से हम ये भी कह सकते हैं, कई लोगों को घबराहट होती है, दिक्कत होती है, तो हम लोग ये कहते हैं कि उसका चंद्र वीक है। और जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस समय भी कुंडली में सबसे पहले सिर्फ इसी बात को देखा जाता है कि कहीं उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, व्यक्ति विशेष का चंद्र दोष तो नहीं, अगर हो तो चावल का दान करके उसको निवारण करने का प्रयास किया जाता है। मतलब अगर ये कहा जाए कि चंद्र जिनकी प्रबल योग पर है, चंद्र उनके अच्छे उच्च कोटि पर बैठा है, उनको राजनीति में चांद, जिस तरह से तरक्की और खुशहाली के लिए हम चांद को जानते हैं, चंद्रमा को जानते हैं, क्या यहाँ भी उसी तरह का फल देने वाला? बिल्कुल, कार्य क्षेत्र में जिसके कार्य भाव में चंद्र बैठा हो वहां तो पॉलिटिक्स आ ही जाती है। और जहां हम बात करें टैरो की, अगर चंद्र का नाम आ रहा है और अगर हम राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कहें तो चुनाव में ये बहुत लाभकर है और कहीं जिसके साथ है वो काफी सम्मानजनक भारी मतों से जीतने की उसकी चांस रहते हैं जी। तो इस प्रकार से आदरणीय कपिध्वज सिंह के योग तो बड़े प्रबल हो रहे हैं जी। चंद्र के साथ साथ और कौन से ग्रह हैं जो उनको इस प्रबल दावेदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं? उनके लिए शनि है, बुध है और खासकर जैसा कि सब जानते हैं कि वो भगवती के बहुत बड़े भक्त हैं, अगर उनका आशीर्वाद हो जाए तो फिर किसी ग्रह की आवश्यकता ही नहीं। बिल्कुल, तो क्या यहाँ पर जिस तरह से भगवती का आशीर्वाद होता है वो सभी ग्रहों पर भारी हो जाता है वो आशीर्वाद, तो यहाँ पर चंद्र के साथ साथ शनि और बाकी के ग्रह भी उनके साथ है, ऐसे में कितना चांस बनता है कि बाकी प्रतिद्वंदियों को वो जोरदार टक्कर देंगे और एक फतह हासिल कर विजय के रूप में तब्दील करेंगे?
काफी चांसेस हैं, 70% चांसेस हैं, और अगर विजय है तो एक सम्मानजनक विजय होगी, पहली बार भी वो काफी सम्मानजनक विजय से जीतेंगे, ऐसे चांसेस हैं, क्योंकि चंद्र शनि बुध ये तीन ग्रह बहुत ज्यादा योगकारक हैं चुनाव के लिए। अब हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं आदरणीय नागेंद्र सिंह जी की, जो बीजेपी से वहां खड़े हैं, इनके अंकों का योग है 6। टैरो में 6 का मतलब होता है शुक्र का अंक, जो कि एक साफ सफाई वाला ग्रह है। वास्तव में बात की जाए तो सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं, जबकि ये भी एक देव है जी। और जब अमृत पान हुआ तो शनि देव और शुक्र देव को भी अमृत दिया गया, क्योंकि ये भी देव है। और जब अमृत पान किया असुरों ने तो उसके बाद जब युद्ध हुआ तो वो हावी होने लगे, देवता हावी होने लगे असुरों पर। तब फिर शुक्राचार्य ने महादेव से तपस्या करके मृत संजीवनी विद्या ली, जिससे वो असुरों में तुरंत प्राण डाल रहे थे और वह उनका मुकाबला करने लायक हो सके। वैसे सरल शब्दों में कहें तो इसके प्रभाव से व्यक्ति सरल, सहज, साफ सफाई पसंद करने वाला, ऐतिहासिक स्थानों से जुड़ा हुआ, लोगों के लिए कुछ अलग करने वाला, क्रिएटिविटी करने वाला, और हर बात को बिना उलझन के निभाने वाला होता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि ये व्यक्ति जो होते हैं ये आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, और इनका शिक्षण बड़ा तगड़ा होता है, इन्हें सब पहले पता चल जाता है, इनसे कोई कुछ छुपा नहीं सकता। ये मिलनसार होते हैं और कार्यक्रमों में मिलने वाले होते हैं, और जमीन से जुड़े व्यक्ति होते हैं, इनके लिए कोई ये नहीं कह सकता कि इनमें घमंड हो। बिल्कुल, जिस तरह से दर्शक भी देखते आए हैं कि नागेंद्र सिंह का जो व्यक्तित्व है वो इस ओर हमें इशारा करता है कि उनके ग्रह नक्षत्र जो है उसी की बदौलत वो जो राजयोग उनके बनते रहे, जिसके चलते आज भी वो लोकप्रिय हुए, लोगों के बीच के साथ ही समाज में एक प्रतिष्ठा उनकी कायम है, और एक चाणक के रूप में राजनीति में अच्छे मुकाम पर वो पहुंच सके। वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जानेंगे सुंदरलाल की कुंडली में क्या है हावी। बहुत स्वागत है, हम बात कर रहे थे गुड़ विधानसभा की, जहां पर तीन प्रबल दावेदार हैं, कुमार कपिध्वज सिंह, नागेंद्र सिंह और सुंदरलाल तिवारी। अब बात करते हैं सुंदरलाल तिवारी की। अगर हम माननीय सुंदरलाल तिवारी जी की बात करें तो टैरो के अनुसार उनके नाम के अंकों का योग जो है 2 आ रहा है, जिसके लिए हम पूर्व बता चुके हैं कि उसका साइन चंद्र का साइन है। सारी बातें वही रहेंगी जो मैंने कपिध्वज सिंह जी के समय में बताया था, बस फर्क एक इतना है कि 5 वर्षों से वहाँ विधायक रह चुके हैं, तो इनके लिए तो वहाँ इनने 5 वर्षों में क्या किया है और जनता उससे किस हद तक संतुष्ट है, मतलब कार्य अनुसार इनकी जो कार्य स्थल पर इन्होंने कितना बेहतर काम किया, अपने आप को कितना प्रूव किए, इस पर निर्भर, पब्लिक किस स्तर तक इनसे संतुष्ट हो रही है, पब्लिक के ऊपर है। वैसे इनके चांसेस भी काफी अच्छे हैं, क्योंकि चंद्र राजनीति के लिए माना जाता है। मिथुन, मिथुन राशि की अगर बात करें तो कुमार कपिध्वज सिंह की नाम अनुसार जो राशि है मिथुन है। मिथुन एक अच्छी राशि मानी गई है और ये अपने को अच्छा स्थान देती है और फल भी उच्च कोटि के मिलते हैं। अगर बात करें कुमार कपिध्वज सिंह की नाम अनुसार राशि की तो हम आप जानते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि जो हमारे आदरणीय कपिध्वज सिंह एक मिथुन राशि है, इसके स्वामी बुध है। बुध एक प्रकृति प्रिय ग्रह है, जहाँ बात आती है प्रकृति की, जमीन की, खदान की, हरियाली की, रेत की, किसी भी चीज से संबंधित पेड़ पौधों की, वहाँ बुध का विवरण आता है। वैसे सामान्य रूप से ये गणेश भगवान का रूप माना गया है, जो कि हमारे देवों के देव महादेव के पुत्र हैं, और इनकी शादी 2 बहनों रिद्धि व सिद्धि से हुई है। अगर इनकी कृपा हो जाए तो व्यक्ति को रिद्धि, सिद्धि, गौरव, यश, लक्ष्मी सब मिल जाता है, किसी चीज की कमी नहीं रह जाती। और अगर हम बात करें कि पेड़ पौधों का कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है, उन्हें पानी दे रहा है, खाद दे रहा है, कीटनाशक दे कीड़ों से बचा रहा है, तो उसका बुध उच्च हो जाता है। और इस समय बुध की गोचर में भी स्थिति वृश्चिक राशि में है, जैसा कि हम जानते हैं ये भी एक देव ग्रह है,
और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है, वो भी देवों के सेनापति हैं। तो यहाँ बुध का बड़ा अच्छा प्रभाव पाया जाता है। और साथ ही साथ चंद्र की बात अगर हम बात करें किसी ग्रह की, तो शनि और बुध ही तो ऐसे ग्रह हैं जो राजनीति में खूब यश देते हैं। अतः यहाँ भी माननीय कपिधर सिंह जी के चांस काफी अच्छे। बिल्कुल, अगर जिस तरह से राजनीति का क्षेत्र है, यहाँ पर हमें यश भी मिलता है, कीर्ति भी मिलती है, और हम समाज में एक प्रतिष्ठा भी बनाने में कामयाब होते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें वृश्चिक राशि की, तो यहाँ पर नागेंद्र सिंह की राशि नाम अनुसार वृश्चिक है, और ये क्या फल देने वाली है, आइए जानते हैं शनि सम्राट से। वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल है, नाम से ही मांगलिक कार्य झलकता है, तथा इनकी भूमिका मुख्यतः मांगलिक कार्यों में ही होती है, खासकर लोगों का विवाह होना, लोगों का संबंध एक दूसरे से बनना, और इनका वर्ण लाल होता है, तथा शरीर में इनका रक्त से संबंध माना जाता है। बोलने को तो ये देव ग्रहों के सेनापति हैं, परंतु ये स्वभाव से बड़ी क्रूर होते हैं, और इनकी दशा अंतर दशा में आदमी को एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए, और हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाके सूजी लाल रंग मिला कुछ जरूरतमंद लोगों को अवश्य देना चाहिए। अगर दूसरी ओर देखा जाए तो मांगलिक कार्यों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी कृपा काफी आवश्यक है। उसी के साथ साथ हम ये भी मानते हैं कि इनकी दशा अंतर दशा में विवाह संबंधी कार्यक्रमों की संभावना बढ़ जाती है। अब हम आते हैं कार्य क्षेत्र पे। कार्य क्षेत्र में मंगल इंजीनियरिंग, कॉन्ट्रेक्टरशिप, डॉक्टरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मंगल देव का सीधा संबंध रक्त से है, और डॉक्टर में भी ऑपरेशन के समय चीरफाड़ करनी पड़ती है, तो इनके प्रभाव से व्यक्ति निर्मम और कठोर भी हो जाते हैं, परंतु इनका प्रभाव अगर हो जाए तो ये काफ़ी अच्छा ही माना जाता है। और इस अनुसार अगर हम कहें तो अभी इनकी गोचर में जो स्थिति है वो कुंभ राशि में है। कुंभ के स्वामी शनिदेव हैं, और मंगलदेव देव ग्रहों के सेनापति हैं, और शनिदेव असुर ग्रहों के लीडर हैं, तो यहाँ उनका प्रभाव थोड़ा सा कम होता है, इस कारण थोड़ी सी संभावनाओं को ये कम करते हैं। अगर बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि सुंदरलाल तिवारी की नाम अनुसार राशि है। आखिर जानते हैं कि इनका क्या होगा प्रभाव, और सुंदरलाल कहां पर देखे जा सकते हैं ज्योतिष के अनुसार? जैसा कि आदरणीय ने कहा, कुंभ राशि, कुंभ राशि के स्वामी शनि है। अब शनि के लिए तो कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग यही मानते हैं कि उनका समय आ गया, उनका साढ़े साथी है, उनकी दशा है, उनकी महादशा है, तो व्यक्ति परेशान ही होगा, परंतु ऐसा नहीं है, ये गलत अवधारणा है। अगर वो दुष्प्रभाव देते हैं तो उसके साथ साथ सुप्रभाव भी देते हैं। उनका काम ही पूर्व जन्मों के अनुसार, वर्तमान समय के अनुसार हमारे किए गए कर्मों का फल देना है, परंतु लोगों में ऐसी सोच नहीं है। ये सूर्य पुत्र है, इसीलिए इन्हें रवि सुताए भी कहा जाता है। ऐसा आवश्यक नहीं कि दशा में घाटा ही हो, अगर शनि किसी पे मेहरबान हो जाए तो वो इतना देता है कि आदमी संभाल नहीं पाता। देव, वानर, सुर, असुर, यक्ष, कोई भी व्यक्ति हो, सभी को पूर्व जन्मों के साथ फल देने के कारण इन्हें न्यायाधीश दंडाधिकारी कहा जाता है। जब रावण ने अपने प्रभाव से 9 ग्रहों को अपनी सभा में बंदी बना लिया था, तो नारद मुनि ने आके उनसे कहा कि आपने इन सबका मुंह नीचे की ओर करके रखा है, आप सबका मुंह ऊपर करिए ताकि आपका प्रभाव तो देखें। अब चूंकि शनि महाराज बंदी भले ही थे, परंतु उन्हें महाकाल से दिव्य दृष्टि, वक्र दृष्टि का वरदान प्राप्त था। उन्हें बंदी होते हुए भी रावण का सिंहासन हिला दिया, जिससे क्रोधित हो रावण ने उन्हें एक जेल में बंद किया, जहां उन्हें आगे ना आने के कारण वहां जमीन पे शिवलिंग गाड़ दी। अब शनि तो खुद ही शिवांश है, वो उसे कैसे पार करे? तब हनुमान जी ने अपना हाथ डाल उनको ऊपर से निकाला था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो हनुमान जी की पूजा करता है वो शनि भी उसका प्रभाव कम हो जाता है, ऐसा हनुमान जी को शनि महाराज ने वरदान दिया था। अब हम आते हैं गोचर पे। इस समय शनि देव धनु राशि में बैठे हैं, जिसके स्वामी गुरु हैं। अब चूंकि ये देव गुरु हैं और चूंकि ये असुरों के लीडर हैं, तो यहाँ भी इनका प्रभाव थोड़ा सा कम होता है। अगर अच्छा हो जाए तो राजयोग है, परंतु जिस गोचर की स्थिति है हाँ, इनका प्रभाव थोड़ा सा कम होगा, तो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से मिथुन राशि पर प्रभाव है, वृश्चिक राशि पर और कुंभ राशि पर, बहरहाल राजयोग किसके सिर पर है यह कहना मुश्किल है, लेकिन
कहीं ना कहीं ज्योतिष विज्ञान इस ओर इशारा करता है कि जिस प्रत्याशी ने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है, कार्य किया है, समाज में प्रतिष्ठा बनाई है, दुख सुख में शामिल हुआ है, उसके प्रबल योग हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ज्योतिष विज्ञान के साथ साथ आदमी ने जो वहां पे काम किया है, जिस प्रकार से प्रचार किया है और लोगों में जो अपनी छवि बनाई है, कुछ लोग ऑफलाइन रहते हुए भी वहां कार्यों में रहे हैं जी, तो उसका तो पब्लिक के वोट के रिजल्ट पे बिल्कुल समझ आएगा। बाकी अपनी शुभकामनाएं सभी के साथ हैं, जो भी आए उस क्षेत्र का और विकास करें और उस जगह को काफी आगे बढ़ाए, ऐसे हमारी सभी सम्राट जी। मैं एक चीज जानना चाहूंगा और आपको बताना भी चाहूंगा, साथ ही दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस बार गुड़ विधानसभा में एक मुद्दा उठा था जोरों पर, वो था क्षेत्रवाद का। गुड़ विधानसभा में कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं रहा जो उस क्षेत्र का रहा हो, लगातार प्रत्याशी बाहरी क्षेत्र से आते रहे और वहां पर विधायक बनते रहे, जिससे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। इस बार ये मुद्दा जोरों पर था और ये एक चुनावी मुद्दा भी बना कि हम बाहरी प्रत्याशी को यहाँ पर जगह नहीं देंगे। तो ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है कि जो उस क्षेत्र का है उसके साथ ज्यादा उसको फल देने वाला होता है या फिर बाहरी लोगों को फल देता है? ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ लोगों द्वारा उड़ाई गई केवल एक अफवाह है। आज पब्लिक सब पढ़ी लिखी है, सब जानते हैं किसने क्या काम किया है। कुछ लोग अपने आप को हाईलाइट में लाने के लिए ऐसी अफवाह उड़ा देते हैं। पब्लिक को सब पता है किसने कितना किया है और किस हद तक किया है, तो पब्लिक सब जानती है। पर जरूरी नहीं कि आम आदमी अपना वोट ओपन करे, वो रिजल्ट बताएगा और वो ही व्यक्ति आगे आएगा जिसने काम किया है लोगों के। बिल्कुल, अगर हम बात करें ज्योतिष की और कर्म क्षेत्र की, तो दोनों ही इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जो उस क्षेत्र पर लगातार सक्रिय रहे, समाज में प्रतिष्ठा बनाई, लोगों के दुख सुख में शामिल हुए, उनके साथ जनता है। हम किसी रिजल्ट की घोषणा नहीं कर सकते, इसलिए आज बस इतना ही। अगले मुद्दे में हम आपको जरूर बताएंगे कि राजयोग आखिर किसके सिर है और कौन यहाँ फतह हासिल करेगा। आने वाली 8 तारीख को जो एपिसोड होगा उसमें हम आपको बताएंगे ज्योतिष अनुसार किसके ग्रह में है जीत दर्ज करने की, कि वहां पर से वो फतह हासिल कर पाएगा। नमस्कार, जय श्री राम।